तो अभी हम जा रहे हैं मेले में, मैं, मम्मी, पापा और करण। करण और मैं दूसरी बार जा रहे हैं। मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में। मेरे को इसे थोड़ी बहुत इसको इसमें जितना डर लगता है मेरे को उसमें सोने की सी मिलती है। तो अभी इधर है हमारा जॉन्स है, दो थे, एक वो दोनों आज उधर गए थे, उधर पानी था तो उधर से पता नहीं इस जो एक था उसको जंगली वो बिल्ला आता है वो उठा गया हो या क्या हुआ, लेकिन अभी अकेला हो गया है। हमने उसे ढूंढा उधर बहुत पर कहीं पे नहीं मिला, और उसके जो पंख होते हैं वो पड़े थे, और जो जंगली बिल्ला आते हैं उसके पैरों के निशान भी थे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वही उठा गया होगा। तो अभी दूसरे हैं तो इसको वहाँ पे रखने जा रहे हैं, क्योंकि अकेला तो रहेगा नहीं, चिल्लाएगा, तो इसलिए पता नहीं उसको बेचारे को क्या हुआ। पहले वो अकेला हो गया था तो इसको लाए थे, अब ये अकेला हो गया तो अब रखने ही नहीं है। खाया तो है इसने थोड़ा सा, ये पता नहीं ये वहां से आ गया और इधर आके चिल्लाने लगा, उसको पकड़ लिया होगा शायद। तो अभी पापा इसको जा रहे हैं छोड़ने। बाय बाय चंगू। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, क्योंकि रोज मैं तुम्हें रोटी खिलाती थी तुम दोनों को, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग बन के रोना भी नहीं है और जाने देना, और अभी रखना भी नहीं है क्योंकि अब ये दूसरी बार हुआ ऐसा, तो बस अब नहीं चाहिए एक भी। तो अभी पापा इसको रखने जा रहे हैं और उधर है निराली आई है अभी। तो पकड़ना है मेरे को, लेकिन कैसे पकड़ूं। तो अभी इसको डेकी में बिठा दिया है और पापा जा रहे हैं इसको छोड़ने। अभी तो शांति से बैठा है क्योंकि वो दूसरा है वो कहीं पे खो गया है। बाय बाय बाय। મારા હાથો હાથ વાળો મોકલે તો અભી બચ રહે હૈ સુબહ કે 11 સાડે 11 ઓર આજ કલ રાત કો મેં લાઇટ ગઈ થી તો ઓર એસે હી વો ટોર્ચ લેને જા રહા થા ઓર સામને દીવાલ થી તો સીધા મુંહ આયા તો મેરે નાક
पता नहीं क्या हुआ है, कल रात से ही दर्द कर रहा है, अभी भी दर्द ही कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी तीन गाय यहाँ पर है, बाकी ये जो छोटा वाला बछड़ा है वो क्या नाम था इसका मैं भूल गया, ये सिद्धि और ये गजानन गजानन शायद, ये तीन यहाँ पर, बाकी राजा और जो विक्रांत है वो दोनों वहाँ पर है। और अभी एक टेंशन वाली बात हो गई है, इतनी भी टेंशन वाली नहीं है लेकिन होती है, क्योंकि हमारी वेगड़ को भी थोड़ा थोड़ा अभी लंपी वायरस का हुआ है, क्योंकि इसको भी अभी जो क्या बोलते हैं जो हम फूड की बोलते हैं, जो राधा को नहीं है वैसी ही है, लेकिन इसको छोटी है अभी। यहाँ पर नीचे ये दुखाचर में ये जो लाल लाल दिख रहा है वो है, तो ये अभी स्टार्टिंग हुई है दो दिन से, लेकिन जैसे एक दो घंटे बाद हमें पता चल गया तो डॉक्टर को बोल दिया था, डॉक्टर जल्दी से आ गए थे, तो इसलिए अभी डॉक्टर ने तो बोला है कि कुछ नहीं होगा। और अभी ये खाना वगैरह एकदम पहले खाती थी वैसे ही खा रही है अभी, देखो यहाँ पर भी। अभी इतने नहीं दिख रहे लेकिन रात में जब टॉर्च मार के हमने देखा था ना तब दिख रहे थे। तो अभी खाना वगैरह खा रही है एकदम ठीक से, तो इतनी कोई टेंशन वाला नहीं है। और हमारी जो पूनम है उसको भी थोड़ा सा ऐसा है, तो कृष्णा को आके चला गया है वायरस, वो कैसे पता चला वो वैसे डॉक्टर ने भी बोला था और हमें भी पता चला, इसको भी राधा के जैसे क्या बोलते हैं वो क्या बोलते राधा को कैसे वो है क्या बोलते हैं हम फोड़ की बोलते हैं इसे, मेरे को नहीं आता, यहाँ पर ये पीछे इसके पीछे खड़े नहीं रहते कि आप कई बार क्या होता है लात वगैरह मार देती है डर में। तो अभी इसमें जो वो उसे दाने जैसे है वो अभी फूट गए, यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट दिख रहे हैं ना वो इसको भी थे लेकिन वो अभी जैसे फूट गए तो वो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो गया, तो इस वजह से इसको आगे चला गया। तो अभी इसको तो इतना कुछ नहीं है टेंशन वाला, लेकिन अभी वेगर और पूनम दोनों को बड़ा नहीं है लेकिन है, बाकी दूसरी गायों को किसी को भी नहीं है। इसको भी ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना कुछ नहीं है क्योंकि डॉक्टर आ गए थे। और दोनों खाना अपना खा रही है तो इसलिए इतना कोई नहीं है टेंशन वाला। बाकी ये हमारी कृष्णा भी एकदम खा रही है फर्स्ट क्लास खाना, और वेगर भी खा रही है, तो ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है। नहीं वेगर नहीं है ना ऐसा कुछ, मुझे भरोसा है कुछ नहीं होगा, मैं तो राधा काफी बोल रहा हूँ उसको भी कुछ नहीं होगा। राधा को भी ऐसे देख के थोड़ा सा अंदर से ही दुख होता है कि यार ऐसा किसी के साथ ना, और हमारे भी जो ये पोरबंदर है वहाँ पर भी कई गायों को हुआ होगा और एक दो गाय रास्ते पर मरी हुई पड़ी थी। तो आपको अगर कोई भी ऐसा हो जो संस्था वाले वगैरह जो भी हो तो इस ऐसी गायों को देखे तो कहीं पर खड्डा करके उसको क्या बोलते हैं सारा जो प्रोसेस होता है वो करके, ताकि गाय एकदम क्या बोलते हैं वहाँ पर सड़क पर ही ना पड़ी रहे, तो ये करना चाहिए, वरना क्या होता है उसी गाय से फिर दूसरों को फैलता है। और तोरी को देखो, तोरी अभी ऐसे ही खुले में ही घूमती है, तो अभी यहाँ पर मम्मी के पास में खड़ी है, और मम्मी यहाँ पर रोटी बना रही है, यहाँ पर है तोरी। तोरी को भी अभी शायद एक महीना होगा लगेगा, उसके बाद तोरी भी बच्चा दे दी। तो अभी मैं आया हूँ फिर से हमारे गायों के पास में, क्योंकि विलंबी का थोड़ा सा है ना, इनको बहुत तो नहीं है सिर्फ जरा जरा इसी क्या बोलते असर ही हुई है अभी तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो होता है ना, इसलिए
यहाँ पर अभी ये तो बैठी बैठी है, इसको भी टेंशन ही नहीं, बेघर को भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी इन दोनों को भी घास डाला था तो इन दोनों ने भी खा लिया। गोपली को कुछ नहीं है और इसको कुछ होगा भी, किसी भी गाय को कुछ भी नहीं होगा। और बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी गायों को हुआ है वो सारी बच जाए, और जो दूसरों को नहीं हुआ उनको हो भी ना। हमारी रीति को भी कुछ ऐसा नहीं है, गोपली को भी नहीं है, बाकी जो बछड़े हैं उनको भी कुछ नहीं है। सिर्फ ये तीन ही थे, उसमें से कृष्ण को होके चला गया और इनको भी जरा जरा सी असर है, लेकिन कुछ होगा नहीं। फिर तो ऊपर वाला के ऊपर है जो हो वो। हम तो सिर्फ ऐसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए पॉजिटिव कि कुछ नहीं होगा। वैसे अभी दवाई वगैरह आ रही है लेकिन मिल कम रही है, तो वो एक है क्योंकि लगभग हमारे यहाँ पर एक दो गायों को तो है ही सब जगह पे, शायद पक्का ने मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि कम जगह पे गायें हैं, भैंसों से कम है शायद, भैंस ज़्यादा है। और ये जो लंबी है वो गायों को और बैल को ही ज़्यादा हो रहा है, दूसरे किसी को नहीं हो रहा। तो जिनके पास भैंस है उनको इतना नहीं है, लेकिन जिनके पास गायें हैं उनको थोड़ा सा होता है। अभी वेगड़ को भी चारा वगैरह डाला था तो अभी खा लिया थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे भी उसने उड़ा के डाला है। अभी भरपेट खा ले रही है इसलिए इसको कुछ नहीं है, और डॉक्टर ने भी बोला है जब तक खाएगी तब तक कुछ नहीं होगा, कोरोना के जैसा ही है, जब तक हम खाते रहेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा, जब खाना छोड़ेंगे हम तो थोड़ी सी वीकनेस वगैरह आएगी, तो इस वजह से ही। लेकिन किसी ने भी, तीनों में से किसी ने भी खाना छोड़ा नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। अभी धूप भी बहुत है और बारिश जैसा मौसम भी है, और मेरा नाक भी दर्द कर रहा है, अभी बोलने में भी दर्द कर रहा है, पता नहीं ऐसा तो क्या हो गया। ऐसे लाइट नहीं थी तो मैं टॉर्च लेने जा रहा था और पता नहीं कैसे मुँह एकदम पूरा लग गया, तो ये पूरा दर्द कर रहा है।